जीप में बैठने लगे हैं, अब देखते हैं क्या होता है सफर। फर्स्ट टाइम जाहिद भी, नया एक्सपीरियंस है अपने वीडियोस का। लेट्स गो। जाहिद क्या था सुरात है भाई? भाई थके आ रहे हैं, अभी पहुंचे थे कि बस चढ़ गए ऊपर जीप पे ना, अभी जा रहे हैं ऊपर। ओके, बम्पी रोड है भाई, बम्पी जंपी, इट्स नॉट बम्पी, इट्स जंपी। बम्पी कहते हैं ना, बम्पी प्लस जंपी। क्या तासुरात है भाई लोग? बेहतरीन खाना आपने बत्ती की है, पहले खिला दिया, हजम हो जाना जाते जाते, मेरे पेट के सारे ऑर्गन्स एक हो गए। ओके, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी शुरू हुई है, अभी मैं सोच रहा हूँ आगे क्या बनना है, अभी एक किलोमीटर भी नहीं हुआ। यस, सो हम यहाँ से गुजरे थे रात को और कुछ वीडियोस नहीं बना सके थे, तो इसलिए हमने आते हुए कुछ वीडियोस बनाई हैं। सो एंजॉय द सीन्स। पिरामिडोस जीप पॉइंट, यहाँ पे जीप्स रुकती हैं और यहाँ से आगे ट्रैक होता है, तो यहाँ पे है पुल, हमने यहाँ से जाना होता है ऊपर और वो होटल सामने नज़र आ रहा है, उसके बाद वो ट्रैक जाता है ऊपर पिरामिडोस की तरफ। आते हुए शाम का टाइम था और ट्रैक ये है ऊपर रास्ता, यहाँ से ऊपर जाना है और कुछ लड़के ऊपर रह गए हैं और वो अभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बट शाम का टाइम था इस वजह से हम व्लॉग नहीं बना सके थे रास्ते का, तो मैं अभी बना रहा हूँ इसका। सो दिस इज़ द ट्रैक टू पिरामिडोस, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, 3 से 4 घंटे का ट्रैक है, तो यहाँ से आप ये देखें। मैदान भी उधर होटल भी बना है उसके साथ आगे, बुर्जल पीक के आओ जी, आओ जी, पर्वत भी बना हुआ, बुर्जल पीक ऑन दिस साइड, ऑन द बैक साइड। सो दो हमारे साथ लोकल हैं, एक साहब हैं हमारे फौज के, तो एक हमारे पुलिस के हैं भाई हैं, तो वेट कर रहे हैं मिस्टर जुनैद साहब फ्रॉम पंजाब फैसलाबाद, डॉक्टर साहब। तो रात का ट्रैक था, व्लॉग नहीं बना सके थे, वन सेकंड आई एम टेलिंग यू, और ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, रात को हम पहुंचे हैं यहाँ पे, पूरी रात हम चले और हालत ख़राब हुई लड़कों की, अभी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं लड़के, और अभी तक का सीन जो है बड़ा मज़े का रहा है। अभी हम सोच रहे हैं आगे ब्याल कैंप और जर्मन व्यू पॉइंट तक जाएँ, तो यहाँ से आगे मैं स्टार्ट करूँगा व्लॉग, और जब जाएंगे वापस तो मैं उधर से आगे आपको ट्रैक का व्लॉग दिखाऊंगा, क्योंकि वो रात को हम गुजरे थे तो इस वजह से हम व्लॉग नहीं बना सके थे। सो इंशाल्लाह आई विल शो यू द ट्रैक एज वेल, और आगे जर्मन व्यू पॉइंट और ब्याल कैंप वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टे ट्यून्ड। यहाँ के होटल्स की सबसे प्यारी बात यह कि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, लेट्स गेट इनसाइड। ये देखिए आप लोग, ये यहाँ के होटल हैं बड़े शानदार, और ये यहाँ का अमला बड़ा मेहमान नवाज और बड़ा अमन पसंद और बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं, और ये आप देख सकते हैं ये होटल है यहाँ पे। तो गाइस, रात को हम यहाँ ठहरे थे तो बड़ा मज़े का सीन था, टफ था थोड़ा सा ट्रैक, अच्छा खासा मुश्किल था, बट बहुत मज़ा आया कुल मिला के। ये आप देख सकते हैं नंगा पर्वत, वन ऑफ द ब्यूटीफुल 8000, एंड उसके साथ साथ ये छोटे छोटे पहाड़ हैं। बेसिकली इसका जो समिट है इसके बैक साइड पे, लोगों को लगता है कि ये समिट है, ये समिट नहीं, इससे बैक, इसके बैक साइड पे और थोड़ी सी हाइट है और वहाँ पे समिट है, बताया ये जा रहा है, होपफुली वन डे वी विल बी देयर इंशाल्लाह। लास्ट टाइम आए थे पाब्लो से मिले और अभी फिर दोबारा मिल रहे हैं साल बाद, तो यार ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, इसने मेरे कपड़ों की हालत तो खैर ख़राब की है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, इज़न्ट इट पाब्लो? यस यार, पिरामिडोस की सबसे खूबसूरत बात जो है यहाँ के लोग, और अभी हम जा रहे हैं
रियल कैंप की तरफ तैयारी पकड़ ली है और हमारा पाब्लो भी तैयार है, इज़न्ट इट पाब्लो? गंदा, तो निकल रहे हैं हम लोग, लेट्स गो। रेम्बो चाचा यहाँ की फेमस सेलिब्रिटी। तो क्या हाल है रेम्बो चाचा, कैसे हैं? खैरियत ना? फिट? तो डांस शास का क्या सीन है? बस नाइट आपको पास आइबेक्स होटल में, जबरदस्त जबरदस्त, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। चलो मैं आपको दावत इधर देना था, लेकिन आप लोगों ने दावत मुझे उधर दे दो। बस ठीक है, उधर हम पार्टी से नाम करते हैं। गेस्ट था तो मैं आपको दावत देता था। चले इस बार गेस्ट हमारे पास है, जिसकी वजह से मेरे पास पानी भी नहीं है, इस वजह से आइबेक्स ठीक है, क्योंकि मेरा सरकारी होटल है। जबरदस्त, वो बंदा भी सरकारी मुलाजिम है। बस ये सबसे पहले 1953 में हरमनबोल ने इस पहाड़ को सबमिट किया, नहीं 1868 में ये पहाड़ गिरा था, नंगा पर्वत मेमरी नाम था इसका, वो भी ऑस्ट्रिया का था। इसके बाद हरमनबोल ने 1953 में इसको सबमिट किया, 54 में केटू करके वो मर गया। इसके बाद इस साइड से जापानीज ने किया 95 में, उन्होंने भी सबमिट किया। बाद में 2008 में अटालियन आए, 3 अटालियन, 1 7000 में मर गया, बाकी 2 को रेस्क्यू करके निकाला। बाकी इंसानी डेथ बॉडीज बहुत यहाँ हमने भी देखा है और लोगों ने भी अभी देखा, जो स्टाफ भी दिखाई, चीज़ें दिखाई, जो चीज़ दिखाया। इसके बाद अल्फ्रेड डेक्सल, वो 1934 में ऊपर हाई अल्टीट्यूड की वजह से वो मर गया है, उसको लाकर बेस्किम में दफनाया, अभी इसकी कब्र है, जो भी गोरा आते हैं वहाँ उसको सलामी देकर चले जाते हैं। जर्मन व्यू पॉइंट पे, जर्मन व्यू पॉइंट में बेस्किम में है। तो इसके साथ जो वेली माइकल है, रिंकोफर थे, वो इसके हीरो थे, वो सारे मर गए। सारी तस्वीरें हमारे पास है, थैंक यू। ये 1934 में कुछ सामान मिला था ट्रैकिंग का, तो नंगा पर्वत और ये सामान आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या कुछ है। तो ये 1934 से पहले क्या है, ये आप देखें कुछ लिखा हुआ है, ये है जर्मन में कुछ लिखा हुआ है, और ये ज़रा पेज खोलना है, आप देख सकते हैं पेज ये साइड खाली है। कुछ डायरेक्शंस वगैरह या नेविगेशन के लिए ये लोग यूज़ करते थे आई गेस, ये आप देख सकते हैं। बस था ना, बस ये नेविगेशन के लिए यूज़ होते थे। ये ट्रेड लिखा है, ये दिखाना चाहिए ट्रेड, ट्रेड ये किसी आई गेस किसी कंपनी को स्पॉन्सर कर रहे थे 1934 में, तो ये उस चीज़ की है। ये वो स्टफ़ है जो चूल्हे के नीचे हम रखते हैं और लंबे टाइम तक ये जलता रहता है। और 1934 की बात है कि अंग्रेज इतने मॉडर्न थे माउंटेनियरिंग के हवाले से, तब भी उनके पास ये चीज़ें थी जो अभी तक हम इस्तेमाल नहीं करते। सो दिस इज़ द थिंग, 1934 की कंघी और 1934 का टूथब्रश। इसका स्टाइल ही कुछ और है, थोड़ा सा साइज में थोड़ा सा अजीब सा है। और ये आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें बनाने के लिए इसने रील रखी थी, और कुछ तस्वीरें थी इसमें लेकिन कलर की वजह से ना ख़राब हो गई हैं मौसम की वजह से, और ये निकल गई हैं। होप्स अगर ये निकल सकती हैं तस्वीरें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुश्किल है। ये 1934 की टोपी और ये वाटर बोतल उस टाइम की, बाहर लेदर का कवर और अंदर लोहे का है, और ये टूथब्रश वगैरह ये हार्नेस के हैं आई गेस, उस टाइम का लेदर है, ये हार्नेस में इस्तेमाल होता था। और ये क्या है, कुछ शूज वगैरह हो सकते हैं, और ये तो पैक फूड, पैक फूड, यस ये पैक फूड के कैन है, और ये हार्नेस का है कुछ बेल्ट वगैरह, अब भी मजबूत है। तो ये दिस वन इज द गेस का है, ये पैक फूड, ये पैक फूड वाला है, और ये भी हार्नेस, और ये गूगल्स, ये ग्लासेस के हैं, ये ग्लासेस आप देख सकते हैं लोहे के ग्लासेस थे, तो शीशा भी टूट चुके हैं। ये क्या चीज है जाहिद, व्हाट इज दिस ब्रो? नहीं ये पता नहीं क्या, पानी या एनर्जी ड्रिंक्स हो सकती है, ये एनर्जी ड्रिंक्स के हैं, ये एनर्जी ड्रिंक्स, और ये पानी की बोतल आप कह सकते हैं इसको, ये पानी की बोतल है। और ये सॉक्स आप देख सकते हैं कॉटन के, उस टाइम के ग्लव्स, सॉरी ये ग्लव्स कॉटन के ग्लव्स हैं, और
ये कोई पॉकेट है, पॉकेट का कोई टुकड़ा है। ये आप देख सकते हैं सॉक्स, इतने मोटे सॉक्स हैं ये, अभी तक 1934 से लेके अब तक ये प्रिजर्व हैं। इसमें कुछ लिखा है और दिस वन इज द कैप, उस दौर की कैप 1934 की, ये अंदर ये कैप है, कभी 12 तक आप देख सकते हैं। दिस वन इज कैप और ये हाँ, ये चूल्हा स्टोव है रोशनी, वो हवा से बचाने के लिए। ये रस्सियाँ हैं और ये कुछ पैक फूड सामान वगैरह थे, तो ये आप देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये रस्सी चेक करें कितनी जेन्युइन रस्सी है, क्लाइंबिंग की 1934 की रस्सी, अभी भी इतनी मजबूत है, ये टूट भी नहीं सकती। और ये कोई कपड़ा वगैरह, ये आप देख सकते हैं, ये सारा स्टफ है।